Hello and welcome back to the channel, everyone. I hope you guys are doing absolutely fine and welcome to another episode of Productive Saturday. And आज हम बात करने वाले हैं Type Tool के बारे में in Premiere Pro. So before starting this video, it's a humble request to everyone that please do support this channel and please अगर नए हो तो subscribe करते जाओ और अगर आप इस video को देख रहे हो तो यार please एक like तो दबा के जाओ. So coming back to this video. So, आज हम बात करेंगे टाइप टूल के बारे में. एंड कमिंग टू द स्क्रीन यू कैन सी आई एम हैविंग दिस टाइप टूल ओवर हियर. सो आई जस्ट सेलेक्ट माय टाइप टूल एंड आई एम ऑलरेडी हैविंग अ वीडियो ऑन दिस टाइमलाइन. सो एंड यू कैन सी आई डोंट हैव एनी ऑडियो फाइल बिकॉज आई सी नो यूज ऑफ ऑडियो फाइल टू शो अ ट्यूटोरियल ऑन टाइप टूल. सो आई जस्ट place my I have selected the type tool and I'll just place the cursor on the video. And अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं बस यहाँ कुछ भी टाइप करूँगा, जैसे ये वीडियो एयर फिल्टर के ऊपर था. सो आई जस्ट टाइप एयर फिल्टर कूल. सो अब हम क्या करेंगे, सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लेंगे एंड नाउ वी विल गो टू इफेक्ट कंट्रोल एंड नीचे स्क्रॉल करेंगे. एंड नीचे स्क्रॉल करने पे आपको दिखेगा सोर्स टेक्स्ट एंड यहाँ जैसे कि ब्रिटैनिक बोल्ड ऑलरेडी सिलेक्टेड है. सो आप इसके अलावा कुछ और टेक्स्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा. बट आई विल कीप इट इन ब्रिटैनिक बोल्ड. एंड सो कमिंग नेक्स्ट टू द अलाइनमेंट. सो यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं कि आपको अपना टेक्स्ट कैसा चाहिए, कहाँ चाहिए. एंड बिलो इट इज़ द ट्रैकिंग. ट्रैकिंग बेसिकली होता ही है कि इट विल जस्ट चेंज द स्पेसिंग इन बिटवीन योर लेटर्स. सो मैं आपको करके दिखाता हूँ. जैसे राइट नाउ इट इज़ इन -16. सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल चेंज इट टू लेट्स से 20 और आप देख सकते हो कि द स्पेसिंग बिटवीन द लेटर्स आर चेंजिंग. सो वाइस वर्सा यू कैन डू दैट. And so I just make it 16 जो है रहने दो उसको. एंड बिलो दैट यू कैन सी, हाँ यहाँ से भी आप अपने इन टूल्स को भी आप यूज़ कर सकते हो. जैसे इसमें से ऑल कैप्स है, आप सारे टूल आप अपने सारे लेटर्स को कैपिटलाइज कर सकते हो या नॉर्मल रख सकते हो, या आपको अगर इटैलिक्स में चाहिए तो आप इटैलिक्स में डाल सकते हो. एंड बिलो दैट इज़ द अपियरेंस. हियर इज़ द कलर फिल, स्ट्रोक एंड शेडो. So color fill will just change the color of your text just like that, as you can see. So I will keep it white जैसा ये था. And stroke में आते हैं, you have to select the stroke as well. And stroke you can select black is fine. And after selecting stroke, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो स्ट्रोक का विड्थ है आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो. सो आई जस्ट चेंज इट टू से 10%. ओके दैट्स डन. एंड यू कैन ऑल्सो एड शेडो टू योर टेक्स्ट. चलो बट बिफोर दैट लेट्स इंक्रीज द हाइट, इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ द टेक्स्ट. सो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये 100 लिखा है. सो बेसिकली यहाँ से आपका फॉन्ट साइज इंक्रीज या डिक्रीज होगा. सो माई फॉन्ट साइज इज इंक्रीज एंड let's come down and let's add the shadow. And shadow add करने के लिए you have to just, जैसे कि आप देख सकते हो shadow already apply हो चुका है. So you can just increase the shadow distance and you can also increase the depth of the shadow. कि आपको कितना dark चाहिए, कितना light चाहिए या कितना दूर चाहिए. And with this is to add the feathers to your shadow. अगर आप इसको एकदम ज़ीरो पे रखते हो तो your shadow will look harsh. And अगर आप इसको जितना आप इसको दूर लेते जाओगे it will add the amount of feathers to your shadow. So that's about that. And this is the shadow 75% पे. You can connect it all the way up to 100%. And यहाँ पे grey shadow selected है. So I'll just select black. And I'll add some size and then I'll reduce a bit
I'll add bit feather, that would be 50. So that is perfectly fine. And distance is adequate, so ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है इसमें. एंड यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के नीचे देर इज़ पोजिशन, स्केल, रोटेशन, ओपेसिटी एंड एंकर पॉइंट. एंड सेम थिंग इज देयर हियर. यहाँ आप देख सकते हो इन द मोशन पैनल देर इज़ पोजिशन, स्केल, रोटेशन, एंकर पॉइंट. सो आप दोनों में से किसी भी जगह से इस चीज़ को चेंज कर सकते हो. And this is basically used to animate the video. So let's quickly just change it. And scale ठीक है 100%. And इससे आप वीडियो आप अपने टेक्स्ट को ऊपर या नीचे कर सकते हो. So या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से भी सेलेक्ट करके अपने टेक्स्ट को ऊपर या नीचे कर सकते हो डायरेक्टली फ्रॉम द वीडियो टैब. सो जहाँ भी आपको चाहिए आप उसको वहाँ पे सेट कर लो. एंड नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एनिमेट इट. सो हाउ विल यू एनिमेट इट, आप जैसे कि देख सकते हो स्केल के पास यहाँ पे ये स्टॉपवॉच बना हुआ है. दिस इज द टॉगल एनिमेशन. सो यू हैव टू चेक इट, बट आई वोंट चेक द स्केल, आई चेक द पोजिशन. सो व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये डायमंड शेप्ड मार्कर आ चुका है. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल क्विकली जस्ट first of all I'll delete this marker and I'll just pull my video the text down ताकि वो छुप जाए. so you can see the marker has been applied automatically. and now what we have to do is जितने भी frames पे या जैसे भी आपको चाहिए आप उसको ऊपर नीचे या दाएँ बाएँ left or right आप उसको कर सकते हो. so right now I'll select 10 frames. so press shift and then right arrow 5 5 10. so agar aap shift press karke arrow press kar rahe ho to it will skip 5 frames, ya fir agar aap sirf arrow press kar rahe ho to it will skip 1 frame at a time. so it's selected and now what I'll do, I'll just pull up the text file. yeah, so it's no par theek hai. and as you can see the marker has been added automatically. And let's just see the preview. Wait a second. Let's just see the preview. ऐसे कि आप देख सकते हो it is disappearing and it is appearing from below. And also what you can do is you can also change the opacity of the video. So let me stretch this effect tab and yeah. So जैसे ये video ऊपर आ रहा है so what I'll do is I'll add the opacity. so let me just change the opacity to say 0% and I'll add this stopwatch यहाँ भी. so the marker has been pinned over here. and again I'll select the previous marker to animate the text and I'll select 100%. and as you can see the marker has been selected. so अब ये वीडियो कुछ इस तरीके से दिखेगा. sorry. okay, so अब ये क्लिप कुछ इस तरीके से दिखेगा. and what you can do is you can also if you're not satisfied obviously you can alter the settings as much as you want. like if I want the opacity to be more further so I can do that. and let's just play the video again till you are satisfied with it. and yep, that looks fine to me. I mean this is just for the tutorial purpose. so you can be creative in this to animate your text and animate the effects. so that's about it. and yeah, and also you can change the text effect in the graphics panel. you can go to graphics and you can just select to edit
and you can see the air filter is already over here, and here you can change the entire thing, which you can do it in the effect control panel. बस यहाँ थोड़े से ज़्यादा डिटेल्स में दिया हुआ है. सो इफ़ यू आर अ ब्लॉगर एंड इफ यू वॉन्ट थिंग्स इफ यू वॉन्ट टू गो इन टू द शॉर्टकट्स, सो यू कैन डायरेक्टली कम टू द इफेक्ट कंट्रोल पैनल एंड यू कैन चेंज इट. सो आपको ग्राफिक्स के अंदर जाके इतना तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो लेट्स क्विकली रेंडर दिस वीडियो एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि कंप्लीट जो वीडियो है वो कैसा लगता है. एंड ऑब्वियसली यू कैन ऑल्सो स्ट्रेच द इफेक्ट. सो दैट्स अबाउट दैट. एंड टू रेंडर दिस वीडियो यू हैव टू गो टू सीक्वेंस, यू हैव टू सेलेक्ट द रेंडर इन टू आउट एंड दैट वुड रेंडर द वीडियो क्लिप फॉर यू विद द इफेक्ट्स. सो and sorry about the noise because it is from the fan of my laptop, because fans and AC off hai and laptop काफी देर से चल रहा है तो it's so इस फाइल में देखना आप लोगों की वीडियो फाइल एक्चुअली में कैसा दिखता है. सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं एंड टाइप टूल का यूज़ कैसे करते हैं. सो दैट्स अबाउट दिस वीडियो गाइज. आगे जाके इसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे इन एंड हाउ टू यूज़ द ग्राफिक्स पैनल एंड उस पर आप क्या क्या कर सकते हो. सो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. अगर आपने इस वीडियो को इतने दूर देख लिया है तो प्लीज़ डू गिव इट अ थम्स अप. एंड अगर नए हो इस चैनल पर तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, प्लीज़ सब्सक्राइब करो वीडियो को. That help us grow. So till then, thank you, bye bye, take care guys, milte hain fir kisi video mein.